सुप्रभात बच्चों, आज बुधवार है, ये आपका हिंदी साहित्य का पीरियड है। बच्चों कल हमने पाठ का अभ्यास कार्य किया था, आज हम कॉपी में कार्य अपना शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी में नए पेज पर आज की तिथि डालें। आज की तिथि है 6/1/2021। उसके बाद आज का सुविचार है दया ही धर्म है, उसके बाद पूर्ण विराम। बच्चों पाठ 16 रक्षाबंधन का त्यौहार, स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान दिया करिए, ठीक है, और राइटिंग पर भी। उसके बाद कठिन शब्द सबके नीचे आपको कैसे नीली रेखा खींचना है अब आपको पता चल ही गया है। तो हमारा सबसे पहला जो कॉपी में पाठ का कार्य होता है वो क्या होता है, कठिन शब्द। तो हम आज कठिन शब्द लिखेंगे, आप बहुत साफ राइटिंग में अपना कार्य करेंगे, इनको याद करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ अपने टेस्ट की तैयारी भी करते चलेंगे। तो चलिए नंबर 1 पे हमारा शब्द है भूमि। भूमि मतलब धरती, पृथ्वी जमीन, ठीक है। भूमि दो लाइन छोड़ेंगे, प्रमुख, प्रमुख मतलब इम्पॉर्टेंट, मुख्य, फिर दो लाइन। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष मतलब एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष। नंबर 4 पे है श्रावण। नंबर 4 पे बच्चों श्रावण, श्रावण क्या है, महीने का नाम है ना, सावन का शुद्ध रूप है श्रावण। नंबर 5 दो लाइन छोड़ के स्नेह, स्नेह मतलब लगाव, प्रेम, ठीक है। फिर नंबर 6 पे पर्व, पर्व मतलब कोई भी त्यौहार, अवसर है ना, किसी भी त्यौहार का अवसर, पर्व। देखिए कैसे लिखा है पर्व, बिल्कुल ध्यान से सही से लिखेंगे, स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर 7 पे है प्रयास, कोशिश, प्रयास कोशिश। फिर दो लाइन छोड़ेंगे स्थापित, किसी चीज का निर्माण करना, स्थापित करना, ठीक है। नंबर 8 पे स्थापित, दो लाइन छोड़े प्रतीक चिन्ह, प्रतीक मतलब चिन्ह। 9 नंबर पे फिर दो लाइन उपहार, तोहफा, गिफ्ट। फिर दो लाइन छोड़ के सो नेक्स्ट वर्ड इज उपहार हो गया आपका बच्चा, उपहार का मतलब तोहफा, गिफ्ट। नंबर 11 पे गाथा, गाथा मीन्स कहानियां। बच्चों था को जब आप लिखते हैं तो आप ये याद रखेंगे, पूरी लाइन नहीं लिखते हैं, मैंने आपकी कॉपीज में काम देख रही हूँ, साफ नहीं हो रहा है, ठीक है। गाथा कहानी, फिर दो लाइन छोड़ी नंबर 12। नंबर 12 पे हिंदुओं, हिंदुओं मतलब एक जाति है, एक धर्म है हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदुओं। फिर दो लाइन छोड़ के पूर्णिमा, पूर्णिमा आपको पता है जो भी महीना होता है उसमें जो आखिरी दिन होता है हिंदी तिथि के हिसाब से, वो पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन पूरा चांद निकलता है, ठीक है, फुल मून डे जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। फिर दो लाइन छोड़ेंगे। फिर नंबर 14 पे तिलक, मतलब आप देखिए जब कोई पूजा होती है तो मम्मी जो है पूजा का टीका लगाती है ना, टीका लगाना मीन्स तिलक, बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं। नंबर 15 पे है हमारा प्रेम, ठीक है, प्रेम लव आप जानते हैं। फिर दो लाइन छोड़ी रक्षा, रक्षा मतलब किसी की रखवाली करना, किसी की देखभाल करना, केयर करना, तो हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, सैनिक देश की रक्षा करते हैं ना। फिर 16 के बाद फिर दो लाइन छोड़ेंगे हुमायूं, हुमायूं एक मुगल शासक थे, है ना, 17 पे हुमायूं एक शासक का नाम है। फिर दो लाइन छोड़ी कर्मवती, कर्मवती मेवाड़ की रानी थी जिनका नाम कर्मवती था। तो बच्चों इस तरह ये 18 कठिन शब्द हैं, आप बहुत ही ध्यान से बहुत ही सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में ये कार्य करेंगे और इन कठिन शब्दों को याद भी करेंगे। धन्यवाद।